संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को जोरदार चर्चा जारी है। पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद हैं, उनका भाषण भी कुछ देर में शुरू होगा। इस बीच विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद संसद में खूब हंगामा मचा। मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, साथ ही महाभारत के एक प्रसंग का उदाहरण दिया और कहा कि आज मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद अधीर रंजन के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई और कहा कि आप इस तरह पीएम के बारे में नहीं बोल सकते। सभी विपक्ष के नेता अधीर रंजन अमित शाह से बोले कि आपको क्यों इतना गुस्सा आता है, पीएम मोदी तो इतना गुस्सा नहीं करते हैं। हालांकि महाभारत में चीरहरण को लेकर दिए गए बयान के बाद संसद में काफी हंगामा हुआ। जब अधीर रंजन संसद में अपना भाषण दे रहे थे तो वहां प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई है। हम में से कोई भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रहा था, हम तो यही मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी संसद में आएं और मणिपुर मुद्दे पर बोलें। हम किसी भाजपा सदस्य को संसद में आने की मांग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के आने की मांग कर रहे थे। आगे अधीर रंजन ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी हर चीज़ में कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन वो मणिपुर पर चुप हैं, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मणिपुर से दो सांसद हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। देश का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के लोगों के सामने मन की बात करना चाहिए थी। क्या ये मांग गलत थी या आम लोगों की मांग थी? आगे बोले कि मोदी 100 बार देश के पीएम बने, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देश के लोगों से लेना देना है।